पाकिस्तान मुकरा अपनी ही बात से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए, पाकिस्तान जितना अपनी बातों से मुकरता है उतना तो एक छोटा बच्चा भी नहीं मुकरता होगा। मतलब आप सोचिए, पाकिस्तान की सारी शर्तें मान ली गई, उसके बावजूद भी नजम सेठी साहब जो है अपना अलग अलाप रहे हैं, अपना दुख अलाप रहे हैं, अपना दर्द अलाप रहे हैं। क्यों वो दुख कर रहे हैं, क्यों वो दर्द मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, वो समझ के पर है। फिलहाल आपको बताती हूँ कि अब क्या कर दिया है नजम सेठी की सेना पाकिस्तान ने। दरअसल पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल स्वीकार कर लिया गया है। पाकिस्तान वालों को अब एक्सेप्टेंस मिल गया है कि भैया हाँ ठीक है, वहाँ पर चार मुकाबले होंगे एशिया कप के, वहीं बचे हुए 9 मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू यानी श्रीलंका में खेले जाएंगे। भारत ने हाइब्रिड मॉडल, ACC ने हाइब्रिड मॉडल जो है वो स्वीकार कर लिया है पाकिस्तान का। यहाँ तक बात हो गई थी। उसके बाद अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जब हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर नजम सेठी साहब भैया अपनी बात से ऐसे पलटे, मतलब क्या ही कहने। वहां पर जब उनसे पूछा गया कि अब आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है तो क्या वर्ल्ड कप 2023 के लिए आप भारत ट्रेवल करेंगे, आप भारत जाएंगे, तो उन्होंने देखिए कहा कि देखिए भारत जाना या नहीं जाना वो हमारे हाथ में नहीं है, इनके हाथ में नहीं है, मतलब शायद इनके हाथ कटे हुए होंगे, आई डोंट नो, बट उन्होंने कहा कि भारत जाना ना जाना वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारी सरकार अगर हमें अनुमति दे देगी तभी हम वर्ल्ड कप के लिए भारत जाएंगे। तो मतलब ये कहाँ से आ गया। देखिए, अगर हाइब्रिड मॉडल हमने स्वीकार कर लिया है, सब कुछ हो गया, हैप्पी हो गया है सब कुछ, तो अब ये सरकार का अड़ंगा देना, इसमें क्या लॉजिक है वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। अगर आपका हाइब्रिड मॉडल हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो भैया आपको भी तो अब ट्रेवल करना ही पड़ेगा ना ODI वर्ल्ड कप के लिए। आपकी शर्त तो यही थी, आपको पैर जो है उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो, वो कहते हैं। और ये चीज़ पाकिस्तान पर बहुत अच्छे तरीके से लागू होती है, लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जितने उनके पैर है उससे उनकी चादर है, उससे ज्यादा उनको पैर पसारने। तो अगर उनका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया था तो लगता है कि इनको भी वर्ल्ड कप के लिए भारत आना ही पड़ेगा। लेकिन ये यू टर्न मार दिया है पाकिस्तान ने कि भैया जब तक सरकार नहीं मानेगी, इनके हाथ में कुछ नहीं है, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम भारत नहीं जाएंगे। इलॉजिकल चीज इसमें। अब आपकी क्या राय है जरूर बताइए, और आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान क्या भारत आएगा, पाकिस्तान क्या अपनी जिद छोड़ के, छोटे बच्चे वाली जिद छोड़ के क्या भारत आएगा या फिर नहीं, राय मुझे ज़रूर बताइएगा।